मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। अफसोस के 24 जून 2022 को हकूमत पंजाब ने भट्ठा मजदूरों के लिए 1000 ईंट बनाने पर 1850 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। एक साल गुजर चुका है। बेहिस जिली इंतजामिया, पंजाब भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर और उनके तमाम रफका की भट्ठा मालकान से मिली भगत के बायस आज तक उस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से भट्ठा मजदूर के घरों में फाका कशी का आलम है। जिनके बच्चे दूध पीते थे, आज वो दूध पीने से महरूम है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि वो फौरी तौर पर 24 जून 2022 को हुकूमत पंजाब की ऐलान करदा भट्ठा मजदूरों के लिए उजरत जो 1000 ईंट बनाने पर 1850 रुपए है, उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। और भट्ठा खस्त फैक्ट्रियों पर अगर जबरी मशक्कत इस वक्त ली जा रही है तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया, जिली इंतजामिया और भट्ठा मजदूरों का गठजोड़ है। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के तहत ना तो आज तक मजदूरों को सेहत और तालीम की सहूलियत दी जा रही है और ना ही इनको बुढ़ापा अलाउंस के तहत पेंशन का हक दिया जा रहा है, जो कि कानूनी तौर पर इनका हक है। वो बुनियादी तौर पर इनको मिलना इंतहाई जरूरी है। हुकूमत को फौरी तौर पर इन मजदूरों के मतालबात जो है उन्हें तस्लीम करना होगा, वरना सुन लें कि फिर तमाम मजदूर सड़कों पर आएंगे, अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे, जिली इंतजामिया के खिलाफ बड़ी बड़ी जो है वो तहरीक पैदा होगी। इसलिए मैं हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूं कि वो फौरी तौर पर इस वाकया का नोटिस लें और मजदूरों को हुकूमत की मुकर्रर करदा उजरत जो है 1850 रुपए फी हजार कच्ची ईंट बनाने की उन्हें दी जाए। सोशल सिक्योरिटी के तहत इनको इलाज मुआलजा और तालीम की सहूलियत फराहम की जाए। शुक्रिया। सानू जी मजदूरों ने इंसाफ चाहिए है। असी काम ना करांगे तो इतने बिल्डिंग कितों बनाएंगे? ठीक है, तो लिहाजा साढ़े नाल दिली प्यार किया जाए, साढ़े नाल इंसाफ किया जाए। हुकूमत ने जो ऐलान किया वो सानू वो रेट दिता जाए। साढ़े नाल बेइंसाफी हो रही है, बड़ी जास्ती हो रही है, क्योंकि बच्चे साढ़े भुखे मर रहे हैं, असी धक्के खा रहे सड़कों पर, साढ़े नाल बहुत बेइंसाफी। असी इटा ना कढ़ांगे तो साढ़े नाल की बनेगा? सानू इंसाफ चाहिए भाई। जिहड़ियां असी इटा पा के आने किराया मार के खुंज देंदे ने, अगे बाद ते खर्चा सानू 600 का देंदे ने, कभी 700 का देंदे ने। जे उन्होंने आखिए तो को आंदन जी असं इंज कर दें, ये कर दें, खर्चा नहीं देंदे। कोई बीमार ही बच्चा हो तो खर्चा नहीं देंदे, अक भी नहीं देंदे पे। जे उन्होंने कहीए तो कहें जिथे मर्जी भज लो, गौरमेंट साडा कर लै दी, साडा हक सानू दे दिओ, सानू होर कोई कफैश नहीं। 1850 रुपये सानू दे दो, जो हुकूमत ने किया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि जो हमारा हक है 1850 रुपए वो हमें दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। अगर हमें ये हक ना मिलेगा तो हम ईंटें बनाना बंद कर देंगे और फिर आप जो अमीर लोग हैं वो कैसे बिल्डिंगें बनाएंगे, वो कैसे करेंगे? हम बिल्कुल काम बंद कर देंगे। हमारे साथ जो भी होगा देखा जाएगा, अगर हम मारे जाएंगे तो भी देखा जाएगा। हम बिल्कुल ईंटें बनाना बंद कर देंगे और हमारी दरख्वास्त है कि जो हमारा हक है 1850 रुपए वो हमें दिया जाए। शुक्रिया। मजदूर भट्ठा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मजदूर भट्ठा को इंसाफ दो, 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 मजदूर भट्ठा को इंसाफ दो,
इंसाफ दो, मजदूर पठाको 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 इंसाफ दो।